बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का नया प्रोसेस आ गया है। अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन फुल केवाईसी के साथ एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार भी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है और साथ ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी फ्री में मिलता है। सो इस वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में एक जीरो बैलेंस अकाउंट फुल केवाईसी के साथ ओपन करने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप इसको परमिशंस अलाउ करेंगे। इसमें आप अपनी लैंग्वेज चूज करेंगे, जिस लैंग्वेज में आप इसको यूज करना चाहते हैं आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद प्रोसीड। एक नया अकाउंट ओपन करने के लिए ओपन ए डिजिटल सेविंग्स अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको थ्री टाइप्स के अकाउंट्स मिलते हैं, प्लस अकाउंट, एज अकाउंट और अल्ट्रा अकाउंट। किसी भी अकाउंट की डिटेल्स देखने के लिए आप एक्सप्लोर बेनिफिट्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अकाउंट की सभी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। अगर आप इसमें कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अप्लाई का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद आप डिक्लेरेशन देंगे कि आप एक माइनर नहीं है, आप इंडियन रेजिडेंट है और आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन नहीं है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग कस्टमर भी नहीं हैं। इसके बाद आप डिक्लेरेशन देंगे कि आप इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में टैक्स पे नहीं करते। आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड किया जाता है जिससे आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होती है। इस तरह से आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे वेरीफाई करने के लिए। आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी। इसके बाद आपको सभी टर्म्स और कंडीशंस एक्सेप्ट करनी होगी, तो आप पहले यहां क्लिक करेंगे इसको रीड करने के लिए और एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आप जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करेंगे और इसको आप यहां रीड करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद सी केवाईसी टर्म्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको रीड करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर डाल देना है और यहाँ आप कंसेंट देंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहाँ डालकर नेक्स्ट करेंगे। सभी डिटेल जैसे आपका नेम, आपका फोटो, आपका एड्रेस ये आधार कार्ड से ले लेगा। आपको ब्रांच चूज करनी होगी, किस ब्रांच में आप ये अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। आपके पिन कोड पर जितनी भी ब्रांचेस अवेलेबल है वो सब आपके सामने आ जाएगी। आप चूज कर लीजिए जिसमें भी आपको अकाउंट ओपन कराना है। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि फादर नेम, मदर नेम और किसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपको सर्विसेज चूज कर लेनी है। अपने अकाउंट के साथ आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, वर्चुअल डेबिट कार्ड और यूपीआई, इन सभी को आप सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद नीचे आप नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने कंप्लीट एप्लीकेशन आ जाएगी। आप एक बार सही तरीके से चेक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको वीडियो केवाईसी करनी होगी, जिसके लिए आप शेड्यूल वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे। जिस डेट और टाइम पर आप ये वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। कैलेंडर से आप डेट चूज कर लीजिए किस डेट को आप ये वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं। इसके बाद नीचे आप टाइमिंग चूज कर लीजिए किस टाइम पर आप ये वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके बाद शेड्यूल वीडियो केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो केवाईसी शेड्यूल हो जाएगी। इस तरह से आपको एक ईमेल मिल जाएगा, इसमें आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करके जो भी आपने डेट और टाइम चूज किया है उसी पर आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो केवाईसी में आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड शो करना होता है, साथ ही आपके एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करके दिखाने होते हैं। एक बार वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आप इसी एप्लीकेशन में लॉगिन बॉब वर्ड पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं और सभी बैंकिंग फैसिलिटीज का मजा ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।